दोस्तों आप सभी को मालूम है कि नेटफ्लिक्स की हालत इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा पतली हो रखी है। 2022 के पहले क्वार्टर के अंदर इन्होंने 200,000 पेड सब्सक्राइबर खो डाले, लेकिन सेकंड क्वार्टर के अंदर तो हत्या ही हो गई। ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर चले गए हैं इनके इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के, जो हैं करीबन 970,000 अगर एग्जैक्टली बताऊँ तो। वो सभी पैसे दे के इनके प्लेटफॉर्म को इन्जॉय किया करते थे, लेकिन अब छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि और भी तो आ गए हैं प्लेटफॉर्म। तो अब इन्होंने कहा है कि भैया एड्स वाले प्लान भी लेके आएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते होंगे, मतलब ऑलमोस्ट फ्री की तरह ही होंगे। 20-25 रुपए वाले अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इतने नहीं होंगे, हर 50-60 तो लगेंगे ही, मतलब ठीक है इतना तो सह लेंगे हम। लेकिन इन्होंने एक और बात कही है इसके अंदर कि जो भाई हमारी प्रीमियम वेब सीरीज़ है ना, जो पहले से ही हिट होती आ रही हैं, वो नहीं देंगे उसके अंदर। दोस्तों यूके के अंदर अब तक की सबसे बड़ी लॉटरी एक बंदे की लग चुकी है यूरो मिलियन जैकपॉट के अंदर, जो कि 195 मिलियन पाउंड्स की है। अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो आप भी हक्के बक्के हो जाओगे। ये लॉटरी थी 1,880 करोड़ रुपए की, और ये एक बंदे को लगी जिसके सारे के सारे नंबर मैच कर गए, 06, 23, 27, 40, 41। और इसका तो बस लक ऐसा चला कि अब जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एलोन मस्क के फादर एरोल मस्क काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर आ गए थे जब ये मालूम चला कि उन्होंने अपनी स्टेप डॉटर के साथ में शादी करी और 2 बच्चे पैदा किए थे, जबकि इनकी स्टेप डॉटर इनसे करीबन 41 साल छोटी है। ये इस वक्त में 76 साल के हैं। फिलहाल के लिए दोनों अब अलग हो चुके हैं, लेकिन अब एक और कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर आए हैं जब कोलंबियन कंपनी के साथ में ये जुड़ चुके हैं और ये बन गए हैं अब विक्की डोनर। 76 ईयर्स की एज में ये अब अपना स्पर्म डोनेट कर रहे हैं हाई प्रोफाइल महिलाओं को इस कंपनी के साथ में जुड़ के। आई थिंक इन्होंने एलोन मस्क का जो पॉपुलेशन क्राइसिस का ट्वीट था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रखा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों चाइना ने अपने साउथ वेस्ट रीजन के अंदर दुनिया का सबसे लंबा सिंगल टावर सस्पेंशन ब्रिज तैयार कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का है, लेकिन एग्जैक्टली 800 मीटर का है, जिसका नाम है लूजी जियांग ब्रिज। दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर नथिंग फोन 1 कल लाइव आ जाएगा, उसकी सेल शाम 7 बजे शुरू होएगी, जुलाई 21 यानी कि कल। लेकिन जिन लोगों ने प्री ऑर्डर पास लेके इसका ऑर्डर किया होगा उनके तो मजे हैं, क्योंकि मैंने भी ले रखा था प्री ऑर्डर, लेकिन प्री ऑर्डर पास, लेकिन अभी तक तो भाई उसमें बाय का बटन ही नहीं दिखा, चाहे सेल चल भी रही थी आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारे हेयर हेल्दी रहे, मजबूत रहे, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है मैन मैटर्स का हेयर गमी, जो कि काफ़ी यमी च्यूएबल गमीज है, जिनके अंदर वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मौजूद है जिनकी हमारे बालों को सख्त ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, जैसे कि जिंक, बायोटीन, मल्टीविटामिन, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाएगी, आपकी बियर्ड की ग्रोथ को बढ़ाएगी, उनको थिक और स्ट्रॉन्गर बनाएगी और कमजोर और पतले होने से रोकेगी, जिससे कि आपके बाल टूटेंगे नहीं। ये 100% वीगन है, शुगर फ्री है, जेलेटिन फ्री है, और इसके अंदर इतना बायोटिन मौजूद है जितना कि 20 एग्स खाने पर मिलता है, उतना जिंक मौजूद है जितना कि 20 काजू खाने पर मिलता है, इतना विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है जितना कि 20 बादाम खाने पर मिलेगा, और इतना विटामिन सी मौजूद है जितना कि आधा गिलास संतरे का जूस पीने पर मिलता है, इतना विटामिन ए मौजूद है जितना कि आधा गिलास गाजर का जूस पीने पर मिलता है। ये डेली 1 गमी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी 2-3 महीनों तक इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखने के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है विद स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड। और अगर यहीं पर मैन मैटर्स की बात की जाए तो ये इकलौता इंडिया का होलिस्टिक मैन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप हेयर, स्किन, वेट और मैन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सर्टिफाइड डॉक्टर के साथ में फ्री में कंसल्ट कर सकते हो, जिसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों नासा अब एक नए टेलीस्कोप बनाने जा रहा है जिसका नाम है द नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जो कि 2026 में ये लॉन्च करेगा, और इसका कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने स्पेसएक्स को दे दिया है 255 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर। ये जो टेलीस्कोप है ये स्टडी करेगा डार्क एनर्जी को, डार्क मैटर को और एक्सो प्लैनेट्स को। अब दोस्तों 26 जून 2022 को घाना के अंदर पहला केस मरबर्ग नाम के एक वायरस का आया है, जो कि इबोला वायरस की ही फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अंदर अगर ये सीरियस हो जाए तो 8 से 9 दिन में पेशेंट की जान चली जाती है, इसमें ब्लड लॉस हो जाता है, वो नोज से निकलता है, उल्टी में निकलता है और इसी के साथ साथ प्राइवेट पार्ट से भी निकल जाता है, जिसकी
वजह से, ब्लड लॉस होने की वजह से आदमी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। तो 26 जून को पहला केस आया था और 28 जून को एक और केस आया जो कि बंदा उसी हॉस्पिटल में एडमिट था किसी और बीमारी की वजह से, लेकिन उस बंदे से इसको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आने पर भी हो जाता है, लेकिन हाँ इसके अंदर इन्फेक्टेड ब्लड का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है कि उसके कॉन्टैक्ट में अगर आ गए तो इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर ठीक होने की बात की जाए तो इसमें 2 से 21 दिन तक लग सकते हैं ठीक होने में। दोस्तों एयरप्लेन के प्राइस वैसे तो काफ़ी हद तक चीपर हो चुके हैं, मतलब कई कई लोगों ने शायद 700-800 रुपये का भी टिकट खरीद लिया होगा जब चलता है डिस्काउंट, और कई महीनों पहले जब बुकिंग कर लेते हैं सस्ता पड़ जाता है कभी कभार, लेकिन हर बार नहीं पड़ता। लेकिन यूके की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है बीहा, जिन्होंने एक हाइब्रिड ट्राईप्लेन डिज़ाइन तैयार किया है जो कि एयरप्लेन्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा चीपर कर सकता है अगर उनका डिज़ाइन इस तरीके का रहा। ये बायो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर 19 सीटें होंगी और इलेक्ट्रिक मोटर का इसके अंदर यूज़ किया जाएगा। सिर्फ एक ही मूविंग पार्ट होगा जो है इसकी मोटर, वो भी एक होगी क्योंकि पैसेंजर भी कम है। और ये अलाउ करेगा उनको टेक ऑफ और लैंडिंग वो भी बहुत छोटे से रनवे के ऊपर इनके विंग्स की वजह से, और इनके विंग्स सोलर पैनल वाले होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ये खुद से भी जनरेट कर पाएंगे। और लंदन से मैनचेस्टर ये सिर्फ $30 में पहुंचा सकते हैं, यानी कि दिल्ली से हरिद्वार सिर्फ 2000 रुपये के आसपास में पहुंचा जा सकता है। हालांकि आप कहोगे यार ये तो फिर भी सस्ता नहीं हुआ, इससे सस्ते में तो मैं बैठा हूँ, लेकिन हाँ यूके के अंदर यही सस्ता है।